नमस्कार, मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज चैनल नेतानगर 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुंबई महानगर पालिका हमारे एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका, जिसका बजट आज है 48,000 करोड़ का। जैसे कि एक राज्य का बजट होता है, वैसे एक हमारी मुंबई महानगर पालिका का बजट 48,000 करोड़ का बजट हमारी महानगर पालिका मुंबई का है। तो हमारे इस मुंबई में रहने वाले सब व्यापारी बिजनेसमैन भाई जो है, दिन रात मेहनत करके अपना जो टैक्स भरते हैं, उस टैक्स का जो उपयोग किस तरह महानगर पालिका से होना चाहिए, क्या उस तरह होता है, ये सवाल आपके मन में तो हमेशा ही बना है और न्यूज के माध्यम से तो आप हमेशा ही देखते आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे रोड की। हर साल रोड की बात होती है, आज मई महीना शुरू है, आने वाले कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, लेकिन ये रोड क्या हुए हैं और हुए हैं तो किस तरह आज है वो हमें देखना है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल संगोई जी हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुणाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। कुणाल जी, सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे देखते हो कि हर साल रोड के लिए टेंडर्स निकलते हैं और टेंडर्स निकलने के बाद उसमें होने वाला जो भ्रष्टाचार है और वो हमेशा लोगों के सामने उजागर होता है, फिर भी महानगर पालिका को इसके बारे में कोई लेना देना नहीं और वही सड़क का जो समस्याएं लोगों को होती है वो आने वाली बारिश में भी होती हुई आपको दिखने वाली है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके इस रिपोर्ट को आपने तैयार किया है। जैसे कि हमारे मुंबई में कहाँ कहाँ पर खड्डे आज आप माप चुके हैं कि कितने साइज के खड्डे हैं, तो कुणाल जी आप क्या कहेंगे आज इस खड्डे के बारे में? सबसे पहले तो आपकी चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस विषय पर आपने हमसे बात करना चाहा। मैंने 24 अप्रैल को एक कंप्लेंट महानगर पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल को एक ट्वीट किया था, जिसमें मुंबई के सड़कों की हालत के बारे में मैंने उनको बताया था। ट्वीट में मैंने ये बताया था कि जिस तरह से करोड़ों रुपये महानगर पालिका सड़कों की निर्माण पर खर्च करती है, जिसका देखभाल यानी रख रखाव जिस टेंडर के माध्यम से उस कॉन्ट्रैक्टर को करना है वो मुंबई में ढंग से नहीं हो पा रहा है। जो मैंने ट्वीट में फ़ोटोज़ डाले हैं, उस फोटो में मैंने क्लियर कट ट्वीट में लिखा है कि 1 मीटर बाय 4 मीटर का DLP रोड जिसको कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मेंटेन करना है वो न करते हुए सड़क की हालत दुर्देव बनी हुई है, जिससे कि सड़क पर ट्रैफिक एक्सीडेंट और लोगों को चलने में असुविधाएं हो रही है। 24 तारीख के ट्वीट के बाद BMC महानगर पालिका के असिस्टेंट इंजीनियर रंजीत वल्वी साहब हैं एच ईस्ट वार्ड के, जिस रोड की मैंने नेहरू नगर की तकरार की थी उस तकरार के बारे में मैंने उनसे फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा हमने खड्डा वगैरह सब बुझा दिया है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर हमने दंडात्मक कार्रवाई की है। मैंने बोला अगर इस तरह महानगर पालिका इतनी फास्ट एक्शन लेती है तो इसका जायजा लेना चाहिए। मैंने उस रोड को वापस से देखा। 9 मई को हमने जब फिर से उस रास्ते की हालत देखी तो हमने देखा फुटपाथ पे जो ब्लॉक्स लगे हुए वो नहीं है। रास्ते की हालत महानगर पालिका के जो अधिकारी हमसे कह रहे थे कि हमने उसे रिजॉल्व कर लिया है, ठीक कर लिया है, ऐसा कुछ भी हमें उस जगह पर नहीं दिखा, जिसका मैंने मेजर टेप द्वारा फोटो खींचा है, वीडियो बनाया है, जो आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उस खड्डे की साइज आपने बोली थी कितनी साइज है? 1 मीटर बाय 4 मीटर का ये खड्डा था, जो जानलेवा था, जिसमें लोगों के एक्सीडेंट होने की संभावना 200% है। क्योंकि आमतौर के खड्डे में अगर बाइक जाती भी है तो गिर कर लोगों को चोट होने की संभावना है। यहाँ तो पूरा 1 मीटर बाय 4 मीटर मीन्स आप सोचिए कि पूरी की पूरी एक बाइक अंदर फंस सकती है, जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। इसी तरह का मुंबई का ये तो एक रोड था। मैंने उसके बाद आरटीआई के माध्यम से मुझे पता चला कि महानगर पालिका ने 2019 से लेके अभी तक हज़ारों करोड़ों का टेंडर निकाला हुआ है, जिसके तहत मेरे पास ये जानकारियाँ हैं कि मुंबई के खाली वेस्टर्न सबब में ही आप देखेंगे तो कई हज़ारों करोड़ों के रास्ते बने जिनकी हालत आज भी खस्ता है। आपके टीवी माध्यम से आपने कुछ दिन पहले भी देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के
कुछ लोग उस खड्डे को बुझा रहे हैं। ये सारा काम महानगर पालिका का है, ना कि जनता का। अगर आप ढंग से कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप सही दिए हुए टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई में इस तरह की कोई घटना घटनी चाहिए। लेकिन कुणाल जी, आप जैसे कहते हैं कि इनको ये उपाय योजना करनी चाहिए, शर्म की बात तो ये है कि हर साल इस विषय होते हुए भी कई लोगों के खड्डे में बाइक वालों के एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। कई लोगों ने कोर्ट में केसेस दाखिल किए हैं कि उनके कमर के जो रीढ़ की हड्डियां भी टूट चुकी हैं। तो ऐसे बहुत बार होने के बाद भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने के बाद उनको कोई शर्म की बात है ही नहीं, क्या देखते हैं आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो? देखिए, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं सरकार का कम्युनिकेशन गैप है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। मुंबई में करोड़ों का टेंडर देते वक्त जब उसकी कंडीशन आप देखेंगे कि उसको रोड बना के देना है, उसकी ASD वो लोग रखते हैं। ASD में एक क्लोज है कि वो जब तक वो मेंटेन करेगा तब तक उसकी डिपॉजिट वो रखेंगे। उस दौरान अगर कुछ होता है तो ये सारी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है। पर मैं ये मानता हूँ, जो मैंने देखा या जो आपके चैनल के माध्यम से आप दिखाना चाहते हैं जनता को, कि कहीं ना कहीं यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर दोनों की मिलीभगत से लोगों के टैक्स को चूना लगाया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि महानगर पालिका आने वाले चुनाव के लिए इतनी जोर से तैयार होती है कि हमने बहुत कुछ किया है इस मुंबई के लिए, इस मुंबई का कायापलट किया है। और जैसे आपने जैसे कहा कि जैसे मुंबई को शंघाई बनाने की बात की है, जैसे आज भी आदित्य ठाकरे जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुंबई को हम फॉरेन का एक प्लान है वो लाने की तैयारी में है रोड के बारे में, तो क्या ये सिर्फ बातें ही रह जाती है? वो आप बातें अमल में आती नहीं दिखती, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो अधिकारी हैं ये हमारे मुंबई के CM हैं या आदित्य साहब हैं, इन तलक सही जानकारी पहुंचाते नहीं हैं। ये वही दिखाते हैं जो अधिकारियों को दिखाना है। मैं तो आदित्य साहब से भी गुजारिश करूंगा कि DLP के जो रोड्स हैं, जो अभी तक के रोड बने हुए हैं, इनके ड्रेनेज सिस्टम को अगर आप ठीक करवाएं ना, तो आपके नए जो बजट है उसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जूने ड्रेन के इसमें ही सारा पानी अपना बरसात का आ जाएगा। खड्डे वगैरह बरोबर से भरने का काम ये सब सड़क बनाने के टाइम पे ही करेंगे, तो ये मेरे को नहीं लगता कि इस तरह की कोई दुर्घटना भविष्य में घटने की ज़रूरत है। या तो जो मॉडल वो लाना चाहते हैं उससे बेहतर मॉडल हम इंडिया में दिखा सकते हैं। कुणाल जी, आप इतनी बड़ी बात कहते हैं, सुझाव भी देने की बात करते हैं, लेकिन हम देखते हैं तब जब जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके साथ मिलीभगत में जो भ्रष्टाचार के परसेंटेज लोगों के सामने आ चुके हैं, लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है लीडर्स वो इस बात को भटका देते हैं और फिर सामान्य जो आम इंसान है वो क्या कर पाएगा, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस विषय को आप किस तरह देखते हैं कि जो बीच वाला जो भ्रष्टाचार है परसेंटेज वाला, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, क्या कहोगे इसके बारे में? मेरी बस इतनी सी मांग है कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा ये सारे सड़कों की जाँच कराई जाए, अनियमितता व भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस अधिकारी ने किस कॉन्ट्रैक्टर के साथ कितनी मिलीभगत की है ये जांच में पता चल जाएगा और इसका खुलासा जल्द से जल्द जनता के पास होना चाहिए। ऐसी आपके TV माध्यम के द्वारा मेरी मांग है। आप तो बहुत मेहनत करते हैं, आपने जैसे कि हर मुंबई के रास्तों के बारे में आपने खबर ली है। आने वाली जून की जो 6-8 तारीख को बारिश मुंबई में गिरने की आसार BMC के माध्यम से वहाँ जो हवामान विभाग से माध्यम से कहे गए हैं, तो आप किस तरह देखते हैं कि मुंबई की आज की सड़कों की परिस्थिति क्या है? देखिए, मैं ये इतना जानता हूँ कि मुंबई इस बारिश में डूबना तय है। सड़कें नाले जिस तरह का दावा प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस दावे को खोखला करने का काम ये बारिश करने वाली है। थोड़ी सी भी बारिश अगर हुई मुंबई में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये सरकारी दावे सब झूठे पड़ने वाले हैं। और जिस तरह का आप अभी देख रहे हैं रस्तों का हाल, जिस तरह का अभी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करना चालू किया है, अगर उनका ड्रेन लाइन देखेंगे तो उसमें स्टील की गड़बड़ी देखिए आप, सोलिंग देख लीजिए, PCC देख लीजिए, या तो जो यूज़ किया हुआ स्टील है या तो ड्रेन का जो साइज़ है, आप ये सब चीज़ों पर अगर उसमें ध्यान देंगे
तो रोड के किनारे बने हुए जो ड्रेन है उससे पता चलेगा शुरुआती दौर में ही कितना भ्रष्टाचार होता है। तो रोड तो बनना बात की बात है, पहले जो शुरुआती ड्रेन होते हैं उसी में शुरुआत हो जाती है भ्रष्टाचार की। तो अभी आगे तो भगवान अल्लाह मालिक। कुणाल संगोई जी, आप ये सबसे बड़ा समाज सेवा का काम कर रहे हैं कि आज लोग त्रस्त हैं इस मुंबई महानगर पालिका के रोड से या अनेक विषयों से, बारिश के भरने वाले पानी से। तो आप अभी जो आने वाले विषय को लेके कैसे क्या करना चाहते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं अभी आगे? मैंने देखिए आरटीआई के द्वारा मुंबई के सारी सड़कों की जानकारी ली है, जन आंदोलन करने की इच्छा है मेरी, लोग मेरे साथ जुड़े। जिन जिन जगहों पर महानगर पालिका के रस्तों की हालत ख़राब है उनका एक ब्यौरा बना के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देने वाला हूँ। और इन सब की जांच, जैसे कि इससे पहले पत्र की मैंने लिखी थी जो महानगर पालिका आयुक्त को, उसमें मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से उस रस्ते की जांच की मांग की है। तो मैं लोगों से भी साथ में अपील करना चाहूँगा कि जन जागरूक होते हुए लोग हर अपने इलाके में बनने वाले सड़क पर ध्यान दें, उसका ब्यौरा ले, उसकी सारी जानकारी समझे कि किस तरह वो सड़क निर्माण ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाए। और आने वाले दिनों में यदि अगर इस तरह का माहौल चलता रहा तो एक जन आंदोलन बड़ा महानगर पालिका के खिलाफ होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो कुणाल जी, आप इतना बड़ा चैलेंज करने वाले हैं कि जन आंदोलन लेने वाले हैं, तो आप लोगों के पास किस तरह पहुँचोगे? क्या आप अपना कोई नंबर देना चाहोगे या किस तरह आप पहुँचना पाओगे? देखिए, आपके व्यूवर्स हैं, आपके नेता नगरी चैनल के माध्यम से लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके पास भी शिकायत लाएंगे, और मेरा नंबर भी लोगों के पास है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इस चैनल को न्यूज़ को देख पाए, न्यूज़ देख कर के जो मेरे वीडियोस हैं, जो फ़ोटोज़ है, उससे कुछ समझ पाए कि किस तरह का मुंबई महानगर पालिका में करोड़ों का भ्रष्टाचार इस अधिकारियों द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा चल रहा है। और आप कुछ खुद इस पर एक अपना अपने इलाके में होने वाले सड़कों के निर्माण में इंटरेस्ट ले, और इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं कि यह काम हमारे एरिया में जो हो रहा है ये ढंग से नहीं हो रहा है, आप इस तरह बनाइए, इस तरह कीजिए, इस तरह अच्छा रोड बनेगा, तब जाके मुंबई को सिंगापुर जैसा सड़क देने का काम हम कर पाएंगे। तो जैसे आपने देखा कि कुणाल संगोई जी सामाजिक कार्यकर्ता पिछले कई सालों से इस विषय को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन हम जब जब देखते हैं तभी हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस महानगर पालिका पे सत्ता पाने के लिए हमेशा हावी रहती हैं, क्योंकि इसका बजट बहुत बड़ा बजट है, लेकिन क्या उस बजट के बाद लोगों को कुछ मिलता है? लेकिन नहीं, हमेशा आने वाली बारिश में पानी भरना है, रोडों पे खड्डे होने हैं। इस विषय को आप हमेशा देखते आ रहे हैं, तो हम इसमें से कब निजात पाएंगे? तो इसलिए आज कुणाल संगोई जी ने कहा है कि मैं आने वाले कुछ दिनों में महानगर पालिका के ऊपर एक बड़ा आंदोलन लेने जा रहा हूं, और इसके बाद कुणाल संगोई जी हमारे मुख्यमंत्री जी से भी फॉलोअप करेंगे, और इसके बारे में लोगों को जितनी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करने की जो संगोई जी काम कर रहे हैं उनके हम उनको शुभकामनाएं देंगे। और कुणाल जी, आपको आने वाले दिनों में इस सब जो सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पे आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज चैनल, नेता 24/7। थैंक यू।